अपने आप में वो इमेज भले ना हो, लेकिन वो ऐसा महसूस होता है इन चित्रों को देखते हुए कि वो जो इमेज है, छवि है, आकृति है, वो प्रकट होने को हो। और ये बहुत ख़ास बात है इन चित्रों की, क्योंकि इसमें एक तरह का रंगों को लगाना होता है इसमें, क्योंकि रंग या तो आदत होती है लोगों की कि चित्र बना, फिगर बना, आकृति बना देते हैं, और नहीं तो बिल्कुल आकृति मिटा देते हैं। इन्होंने लगभग बीच का सा कोई रास्ता लिया है जो बहुत कठिन है और बहुत काव्यात्मक है। दूसरी बात जो महत्व की है वो ये है कि इनमें जो रंग हैं वो आपस में बोलते हैं, उनमें एक तरह का वर्ण संवाद हो रहा है, जिसको हमारे कामसूत्र में कहा है कि भाई ये वर्णिका भंग है। इसमें वर्णिका भंग का अर्थ होता है कि जहाँ एक रंग दूसरे रंग से बात करता है, कोई भी रंग किसी भी दूसरे रंग से बात करता हो ऐसा नहीं है। ये चित्रकार का अपना सामर्थ्य होता है, उसकी अपनी प्रतिभा होती है कि वो ये संभव कर सके कि एक रंग दूसरे रंग से बात कर करने लगे, और ये कम होता है। इसके लिए एक बेहतर चित्रकार की ज़रूरत होती है, और इसलिए निर्मला जी के जो चित्र हैं उनमें वर्णिका भंग है। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि इनकी जो प्रक्रिया है चित्र बनाने की, उसमें लगता है कि वो चित्र लगातार बन रहा है, ये कोई फाइनल प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये जैसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखते हैं कि कोई टूथपेस्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में है, ताकि आप उसका उपभोग कर सकें। इन चित्रों के साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, उनके साथ आपको ध्यान देना पड़ता है अपनी ओर से, और उस ध्यान में बड़ी गहराई होती है जो इन चित्रों में प्रकट होती है। और इस अर्थ में ये चित्र आप एक बहुत ही, इनमें ध्यान का जो गुण है, ध्यान उत्पन्न करने की जो क्वालिटी है वो बड़ी गहरी है, और ये अपने में एक बड़ी विशेष बात है, क्योंकि सारी कला, वे कलाएं उत्कृष्ट मानी जाती हैं जो एक डीप क्वालिटी ऑफ अटेंशन, एक गहरी ध्यान पैदा कर सकने की सामर्थ्य हो जाए, और वो, और साथ में लगातार आपको अनुभव होता है कि ये चित्र लगातार बन रहे हैं। यही गुण महान फिल्मों में हुआ करती है कि आपको लगता है ये फिल्म बराबर बनी नहीं है, लेकिन आप जितनी बार देखते हैं आपको लगता है ये कुछ और हो गई है। इन चित्रों के साथ भी बार बार देखने पे यही लगेगा। धन्यवाद।